हेलो दोस्तों, बिंदु ब्लेड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से दोस्तों प्यार भरा नमस्ते। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक तत्वों से भरपूर नाश्ता बनाने चल रही हूँ दोस्तों। तो आइए चलिए हमारे साथ हमारे घर पर, हम दिखाते हैं आपको कौन सा नाश्ता बनाते हैं। नमस्ते बेटा, स्कूल जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, इधर हमारे बच्चा पार्टी भी स्कूल जा रही है, पढ़ के आना, ठीक है। देखिए हम घर आ गए, अलसी को साफ करते हैं दोस्तों। आज हम अलसी का पराठा और टमाटर की मीठी चटनी बनाने जा रहे हैं दोस्तों। पहले साफ कर लेते हैं। हम साफ कर लेते हैं, देखिए इस तरह हम साफ कर ले रहे हैं। अलसी तो हमने साफ कर लिया दोस्तों, अब ले चलते हैं लकड़ी को। फिर से हम लकड़ी ले जाते हैं दोस्तों, तो हम लकड़ी को लेके चल रहे हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आ गए दोस्तों रसोई घर में, तो हमने देखे चूल्हे को जला दिया है और कढ़ाई में हमने लेप लगा दिया है ताकि उसको साफ करने में आसानी हो दोस्तों। ये हमने चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई को। दोस्तों हमारी कढ़ाई गर्म हो गई, तो हम भूनते हैं यहाँ पर सबसे पहले अलसी को। देखिए हम अलसी भूनने जा रहे हैं, ऐसे चलाते हुए हम अलसी को भूनेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारी अलसी भून रही है, कैसे चटक रही है, देखिए बढ़िया चिटुर चिटुर कह रही है, इसका मतलब हमारी अलसी हो गई है दोस्तों। इसमें से दोस्तों खुशबू भी आ रही है बढ़िया अच्छी सी। अलसी दोस्तों खाना चाहिए, अलसी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। ये पौष्टिक तत्वों से भी भरपूर होती है, इसमें फाइबर भी होता है दोस्तों। देखिए हम इस तरह निकाल लेते हैं। देखिए हमारी अलसी का कलर भी चेंज हो गया है दोस्तों। हम वही कढ़ाई दोबारा से चढ़ा रहे हैं और कढ़ाई को अच्छा से साफ कर ले रहे हैं। अब हम इसमें डालते हैं सरसों का तेल। देखिए हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। देखिए दोस्तों हमने लहसुन भी ले रखा है, हरी मिर्च भी ले रखा है और अदरक को भी अच्छा सा इसका छिलका निकाल कर अच्छा सा धो भी लिया है दोस्तों। हम यहाँ पे डालेंगे 5 कली दोस्तों लहसुन तेल में, और ये देखिए 5-6 हरी मिर्च भी डाल रहे हैं दोस्तों। इसी में दोस्तों हम डाल दे रहे हैं अदरक। इसी में अब दोस्तों हम डाल दे रहे हैं कटा हुआ टमाटर। हमने मीडियम साइज का 4-5 टमाटर ले रखा था दोस्तों। ये जो टमाटर देख रहे हैं हमारे खेत का टमाटर है, किसी दिन मैं दिखाऊंगी दोस्तों। देखिए टमाटर भी हमने डाल दिए इसमें। इसी में दोस्तों हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि मुझे खट्टी मीठी तीखी चटनी बनानी है दोस्तों। दे रहे हैं दोस्तों थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा दोस्तों गरम मसाला। अब हम इसको दोस्तों चला देते हैं आसान, जैसे चला दे रहे हैं। हम 2 चम्मच चीनी डाल, सारा कुछ डाल के दोस्तों आंच को सिम कर देंगे और उसको ढककर पकाएंगे। अब हम दोस्तों कढ़ाई का ढक्कन उठाते हैं और देखिए हमारा टमाटर कैसे बढ़िया सा पक गया है। देखिए पुश हो जा रहा है दोस्तों, देखिए हम इस तरह निकाल लेंगे। कढ़ाई को हम उतार देते हैं दोस्तों, चूल्हे पे रख देते हैं तावा। तावा को साफ कर लेते हैं और तावा को गर्म होने देते हैं दोस्तों। अब हम आ गए सिलबट्टे के पास, ये हमारा सिलबट्टा है। अब हम सबसे पहले अलसी को पीसते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने सिल पर अलसी को रख दिया। देखिए हम इस तरह अलसी को पीसेंगे। ये हमारी अलसी भुनी हुई है दोस्तों, इसलिए बढ़िया से अच्छे से पिसा जा रही है दोस्तों। हम इसको बारीक पीसेंगे। देखिए इसी तरह हम अलसी को पीसेंगे दोस्तों, 2 बार में करके पीसेंगे तो अच्छे से पिस जाएगी। आप हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हमने अलसी को पीस लिया, देखिए इस तरह हमने अलसी को पीस लिया। अब हम अलसी को रखते हैं थाली में, अलसी खा लेते हैं।
अब हम सिलबट्टे पे रखते हैं दोस्तों लहसुन और हरी मिर्च। हम इसको भी पीस लेते हैं दोस्तों। लहसुन और हरी मिर्च दोस्तों हम बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, दरदरा ही पीसेंगे। देखिए हमारा लहसुन और हरी मिर्च भी पिस गई दोस्तों, इसको भी हम उठा लेते हैं और देखिए साइड में रख देते हैं इसी थाली में। हम दोस्तों जो हमने टमाटर को फ्राई करा हुआ था दोस्तों वो हम पीसने जा रहे हैं। देखिए हमारी बढ़िया अच्छे से चटनी, देखिए हम इसको कैसे पीस रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी चटनी भी बढ़िया अच्छी सी खट्टी मीठी तीखी चटनी तैयार हो गई दोस्तों। इसको भी हमने पीस लिया, अब हम इसको उठा लेते हैं। देखिए हम इस तरह उठा लेंगे। तो दोस्तों हमने अलसी को भी पीस लिया और हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट भी बना लिया और इधर हमारी चटनी भी तैयार हो गई दोस्तों। तो हम चलते हैं रसोई घर में, आप भी चलिए हमारे साथ। दोस्तों हम आटे को गूंद लेते हैं। देखिए दोस्त आटे का डो तैयार हो गया। तो जो हमने अलसी को पीसा हुआ है हम इसमें डाल लेते हैं धनिया की पत्ती। इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक काट रहे हैं। अब इसी में हम दोस्तों स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं नमक, धनिया पाउडर दोस्तों, हम लाल मिर्ची पाउडर डाल दे रहे हैं। हमें चटनी से खाना है दोस्तों, इसलिए हम ध्यान में रखते हुए मसाला डाल रहे हैं दोस्तों। अब हम डाल दे रहे हैं दोस्तों जो हमने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था दोस्तों, वो भी डाल दे रहे हैं। तो देखिए हम इस तरह अच्छा सा मिलाएंगे, इसको बढ़िया सा मिला देंगे कि हर तरफ मिल जाए। दोस्तों हमने मसाला को अच्छा सा अलसी में मिला लिया दोस्तों। तब हम चल रहे हैं अपने पूर्वजों का बनाई हुई रेसिपी दोस्तों आप तक पहुंचाने वाली हूं मैं। दोस्तों हम आटे की लोई को लेते हैं। देखिए इस तरह हम चकले को बनाते हैं दोस्तों, फिर थोड़ा सा पत्थर लगाते हैं, दूसरा भी बनाते हैं दोस्तों। दोनों एक पे रखकर दोस्तों हम हाथ से इस तरह बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों दोनों चकला कैसे कटोरी की तरह बन गया दोस्तों। हम एक चकला को हटा देंगे, देखिए ऐसे आराम से। देखिए जो हम कटोरी से चकला बनाए दोस्तों उसमें भरेंगे अलसी वाला पाउडर दोस्तों। ये देखिए हम इस तरह भर रहे हैं। अब हम इसको इस तरीके से दोस्तों बंद कर देंगे, देखिए ऐसे गदोरी से ऐसे करते हुए। देखिए दोस्तों किस तरह बंद हो गया। तब हम इसको हल्के हाथ से पुश करेंगे और परथन लगा के दोस्तों हम बेलेंगे। देखिए इस तरह हम बेलेंगे। देखिए दोस्तों फूट भी नहीं रहा है, हम पराठा आराम आराम से बेलेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा पराठा तैयार हो गया। अब हम इसको रखते हैं तावे पर, इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे। इसको हम ऐसे पुश करके दोस्तों देखिए गदोरी के सहारे कैसे इसका मुंह बंद करेंगे। अब फिर हल्के हाथ से हम पुश करेंगे और तावे का पराठा दोस्तों हम पलट देंगे। देखिए तावे का पराठा हम पलट दे रहे हैं और अब हम ये वाला पराठा बेलेंगे। और इधर दोस्तों जो हमारे तावे पे पराठा है उस पर हम तेल लगाएंगे। देखिए साइड साइड तेल डाल देंगे, फिर बीच में भी लगाएंगे और इसको हम दोस्तों पलट देंगे। आज को हम सिम कर देंगे दोस्तों। और देखिए हमारा बढ़िया फूला फूला कैसे पराठा बन गया दोस्तों। पराठा कितना देखने में अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो खाने में कितना अच्छा होगा। हम ये वाला पराठा दोस्तों उतार लेंगे। देखिए बढ़िया फूला फूला पराठा, अच्छा सा हमारा पराठा तैयार हो गया। अब हम दूसरा पराठा बेलेंगे।
पंगी वाला पराठा तावे पे रखते हैं। आप हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों, इसी तरह हम सारा पराठा बनाएंगे। ये देखिए, ये वाला पराठा भी हम पलट देंगे दोस्तों। देखिए, इस साइड हो गया, दूसरी साइड हम कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट पराठा है। अब हम गरम गरम पराठा मम्मी को सर्व करते हैं और चटनी भी देते हैं। मम्मी हमारी बैठी नाश्ता करने के लिए दोस्तों। तो देखिए, बढ़िया मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी दोस्तों। लो मम्मी खाओ, देखो कैसे लग रहा है। और अब हम तावा वाला पराठा दोस्तों पलट देंगे। और तावे वाले पराठे पे दोस्तों हम तेल लगाएंगे, पहले साइड में लगाएंगे। देखिए हमारी मम्मी जी हंस रही हैं, ये पराठा देखकर दोस्तों, अलसी का। मेरी मम्मी कह रही हैं अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों, ये हमारा लास्ट पराठा है। देखिए बढ़िया फूला फूला पराठा। उधर मम्मी हमारी खा भी रही हैं दोस्तों। तावा से पराठा उतार लेते हैं। देखिए बढ़िया लाल लाल पराठा, इतना सारा पराठा हमने बना लिया दोस्तों। अब हम मम्मी को तो सर्व कर दिए हैं दोस्तों। पापा हमारे खेत में हैं, पापा के लिए नाश्ता लेके खेत में चलते हैं दोस्तों। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको उतार देते हैं। देखिए दोस्तों, हम पापा के लिए नाश्ता सर्व कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया दोस्तों, आज हम बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक तत्वों से भरपूर नाश्ता बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो अलसी आपको भी खाना, अलसी का कैसे भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। अलसी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी कैसे लगी आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। अगर आपको अलसी का पराठे का नाश्ता करना है दोस्तों, तो मेरे घर पर पधारिए। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्ते। ये जो पराठा आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए तोड़ेंगे, बढ़िया खस्ता पराठा बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये खाने में कितना टेस्टी होगा। अगर इसके साथ आप चटनी यूज करेंगे दोस्तों, तो कितना अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर अलसी का पराठा आप बना के खाएंगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगा दोस्त, और हेल्दी भी रहेगा दोस्तों। आपके बच्चे भी शौक से खाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।